दोस्तों ड्रीम ट्रॉन में आपका स्वागत है। ड्रीम ट्रॉन कुछ बड़ा पैसा कमाने का एक नया तरीका है। ड्रीम ट्रॉन में रजिस्टर होने के लिए एक नए मेंबर को X3 और X4 प्रोग्राम में पहले स्लॉट को एक्टिवेट करना होगा, जिसकी कीमत 25 TRX है। सो कुल मिलाकर रजिस्टर होने में कुल 50 TRX लगते हैं। X3 और X4 के पहले स्लॉट हमेशा एक साथ एक्टिवेट होते हैं, उन्हें अलग से नहीं खरीदा जा सकता है। अगले स्लॉट यानी अपग्रेड को अलग से एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक। X3 और X4 प्रोग्राम के लॉन्च के बाद दो और प्रोग्राम कमिंग सून है। सो आइए जानते हैं ड्रीमट्रॉन X3 वर्किंग प्रोग्राम के बारे में। ड्रीमट्रॉन X3 के आपके स्लॉट में सभी पार्टनर आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं। जब आप पार्टनर को आमंत्रित करते हैं तो आपके डायरेक्ट होते हैं। मैट्रिक्स को भरते समय भुगतान का वितरण स्वचालित रूप से निम्नानुसार होता है। पहला रेफरल पार्टनर आपके नीचे जगह लेता है और 100% भुगतान आपके पर्सनल वॉलेट में जाता है। दूसरा रेफरल पार्टनर आपसे नीचे दूसरा स्थान लेता है, 100% भुगतान भी तुरंत आपके पर्सनल वॉलेट में जमा हो जाता है। अब तीसरा रेफरल पार्टनर आपसे नीचे तीसरा स्थान लेता है और आपको फिर से 100% इनकम प्राप्त होती है, लेकिन रिसाइकल के रूप में। 100% ये पेमेंट आपके अपलाइन को जाता है। रिसाइकल आपके लिए फिर से वही स्लॉट खोलता है और आप इससे इनकम प्राप्त करना जारी रखते हैं। स्लॉट को फिर से खोलते हुए आप अपने अपलाइन के स्लॉट में अगला खाली स्थान प्राप्त करते हैं। रिसाइकल के लिए 100% आपके अपलाइन को ट्रांसफर किया जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों ड्रीमट्रॉन X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम के बारे में। समानांतर में ड्रीमट्रॉन X4 भी आपके लिए काम करता है। यहाँ ऊपर और नीचे से एक अति प्रवाह प्रणाली का आयोजन किया जाता है। हम मिलकर एक टीम बना रहे हैं। यहाँ पर आप बिना काम किए भी पैसा बना सकते हो। आपकी टीम में इस प्रोग्राम के अंदर आपके अपलाइन सिस्टम आपके जरिए कहीं से भी लोग आ सकते हैं। ANB का पेमेंट आपके अपलाइन को जाता है और 100% भुगतान आपके अपलाइन के वॉलेट में जाता है। दूसरे लाइन से आपको 1, 2 और 3 से 100% भुगतान और चौथे पर्सन का 100% पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। साथ ही साथ सिस्टम आपके लिए एक रिसाइकल बनाता है। आइए समझते हैं रिसाइकल और रिपोजिशनिंग के बारे में। रिसाइकल ये मौजूदा स्तर पर स्लॉट को फिर से खोलना यानी पुनः खरीद है। रिसाइकल आपके लिए फिर से वही स्लॉट खोलता है और आप इससे होने वाली इनकम से इनकम प्राप्त करना जारी रखते हैं। रिसाइकल के बिना एक स्लॉट बंद हो जाएगा और रुक जाएगा। रिसाइकल स्वचालित रूप से किया जाता है। जैसे ही किसी साथी द्वारा अंतिम खाली स्थान लिया जाता है, वर्तमान स्लॉट बंद हो जाता है और संग्रह में चला जाता है। आप एक अपलाइन के स्लॉट में खाली स्थान पर फिर से कब्जा कर लेते हैं और उसी लेवल के एक नए स्लॉट में आपके लिए निशुल्क स्थान खुल जाते हैं और 100% भुगतान आपके अपलाइन के वॉलेट में जाता है। इसी तरह आप रेफरल पार्टनर के पास भी रिसाइकल होंगे और आपको हर बार तुरंत इनकम प्राप्त होगी। आइए दोस्तों जानते हैं अपग्रेड के बारे में। अपग्रेड एक अधिक महंगे लेवल के अगले स्लॉट का ओपनिंग खरीद है। यह स्लॉट के पहले ओपनिंग पर एक बार किया जाता है। भुगतान आपके अपलाइन को जाता है बशर्ते कि उसके पास इस लेवल का स्लॉट हो। समान लेवल के स्लॉट को रिसाइकल करने और अगले स्तर का स्लॉट खरीदने के लिए प्रत्येक स्लॉट से पर्याप्त इनकम होती है। आप तय करते हैं कि अगले स्तर का स्लॉट खरीदना है या नहीं। स्लॉट का एक रिसाइकल स्वचालित रूप से होता है। यदि अगला स्लॉट आपके लिए नहीं खुला है तो दूसरे दौर से रिसाइकल के बाद सभी भुगतान एक अपलाइन को रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जब आप आवश्यक स्लॉट खरीदते हैं तो आपके रेफरल पार्टनर के अगले रिसाइकल में आपके डायरेक्ट होगा और प्रत्येक रिसाइकल के साथ फिर से आपके नीचे जगह ले लेगा। दोस्तों समझते हैं मिस प्रॉफिट के बारे में। मिस प्रॉफिट मतलब अधिक महंगे स्लॉट में अपग्रेड की कमी के कारण उच्च पार्टनर को भेजा गया भुगतान। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कम साझेदार के छूटे हुए लाभ की कीमत पर आपको प्राप्त भुगतान होगा। धन्यवाद।